अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड ताबिंदा और आज ये मेरा व्लॉग है। बेसिकली संडे है डेफिनेटली एंड आज हम अपने घर पर आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था बकरा ईद मनाने। सो ये जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बाय द वे, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत स्पेशल लोगों से मिलवाने जा रहे हैं बेसिकली। सो जस्ट कम आयशा, ही इज़ आयशा। इनको इनका चैनल भी ये है इंस्टाग्राम पर, आयशा आर डी हट, एंड शी इज टूबा एंड शी इज शगूफी, यूजर नेम शगूफी एग्जैक्टली। सो कैसा लग रहा है आप सबको राइट स्टार के साथ लोग में आने का? फीलिंग वेरी 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 ग्रेटफुल कि आप मुझे अपने ब्लॉग में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपको ब्राइट स्टार के ब्लॉग में आने का मौका मिलेगा? वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हमें आपके ब्लॉग में आने। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, थैंक यू दादा, मैं आपके ब्लॉग में। आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल कि हम आप तीनों को अपने ब्लॉग में लेकर आ पाए। वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जब लोग बोलते हैं ना कि आपका ब्लॉग अच्छा लगता है और यहाँ आप तीनों लोग भी मिले तो फिर डेफिनेटली ये ब्लॉग तो अच्छा होने ही वाला है। और इंशाल्लाह हम ये ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह जाएंगे और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। डेफिनेटली सारी चीज़ें करें, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। सो चलिए तब तक के लिए वेट कीजिए और अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने यहाँ की सबसे यादगार जगह। ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है हमारी। हमने यहाँ से तालीम हासिल की है अपनी, अपना जो कुरान मुकम्मल किया है ना वो इसी मस्जिद से किया है। जितनी भी तालीम हासिल की है, ये हम जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि हम सब कज़िन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलते थे, बचपन हमारा पूरा यहीं बीता है। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर हम लोग बहुत खेलते थे खो खो वगैरह। और ये वाला प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैप्चर करना मेरे ब्लॉग में। और ये ऊपर का जो जगह है ना, यहाँ पर हम लोग छुट्टी होने के बाद सफाई करते थे मस्जिद की। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग को इजाज़त नहीं होती है मस्जिद के अंदर जाने की, बट हम सारी कज़िन्स लोग यहाँ पर खूब पढ़ते थे। ये कुआं जहाँ पर हम लोग खेलते थे और हम लोग कल इधर कुएं को उतारने की कोशिश करेंगे। हेलो ब्राइट फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। एंड फिर हम तायबू के यहाँ है, वहाँ थोड़ा हम लोग ने खाना पीना हुआ क्योंकि बकरा ईद का मौका था, तो सारे लोग खा पी रहे थे। आए ये हैं तूबा, आयशा, ये हैं आंटी, तायबू, फूफा जी, एंड इनसे मिलिए एक क्यूट सी मेहमान। वैसे तो मुझे ये पेट्स देखने में बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन मैं इनको पकड़ नहीं पाती हूँ। एंड फिर हम आए अपने अब्बू की शॉप नाइट में, वहाँ पर हमने कुछ गाया एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबका। नात पर अब्बू ने कुछ हमें इनाम दिया। So I got this 50 rupees from my father because I recited a daat, it is 88 vaakya. So this 50 rupees is very special for me and मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी। ये मेरे लिए 5000 से कम नहीं है। एंड आयशा ने भी कुछ गाया था तो फिर ये आयशा को मिला और सब ने थोड़ा थोड़ा गाया था तो मैं क्लिप में ऐड नहीं कर पाई। एंड फिर वहाँ से हमने अपने घर की रवानगी। मैं शगूफी, ब्राइट स्टार की कज़िन, और अब हम लोग, मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ एक्चुअली, और हम लोग अब घर वापस लौट रहे हैं आज का सारा डे स्पेंड करके, ठीक है। एंड हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सब बहुत ज़्यादा थक गए और अब हम लोग घर वापस लौट रहे हैं। एंड अब हो चुका है नेक्स्ट डे एंड आज हमारा जो प्री प्लानिंग का वो नेक्स्ट डे था, दैट इज पॉकेट कैफे। तो हम सब लोग आए थे पॉकेट कैफे सब गेट टुगेदर करने, ज़्यादातर सारे ही लोग आए हुए थे, सारे तायबू की बेटियां एंड फूफी की बेटियां सारे ही लोग आए हुए थे। इन लोग से तो मैं आप सबको पहले मिलवा ही चुकी हूँ और ये देखने फिर आयशा की नौटंकी शुरू हो गई, इनका फ्रॉड ब्लॉग चैनल जो शुरू हो गया। Okay.
एंड अब हो गई थी रात और आयशा का बर्थडे था। मैं इनको जूनियर जुलाई भी बोलती हूँ क्योंकि इनका 3 जुलाई को होता है और मेरा 27 जुलाई को होता है। तो ये जूनियर जुलाई है और मैं सीनियर जुलाई हूँ। फिर रात में हम सब लोग गए आयशा का बर्थडे सेलिब्रेट करने सागर होटल जो कि इटावा में है। तो जैसा कि हमने दिखाया था कल हमारी आयशा का बर्थडे था, हमारी जूनियर जुलाई का जिनसे हम बोलते हैं, एंड आज है उसका नेक्स्ट डे। और जिस तरीके से हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारा जो ब्लॉग होता है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहता है, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने ब्लॉग के जरिए, एंड तो हमने सोचा क्यों ना ये लोग आए हैं हमारे कानपुर से कजिन्स, तो इनका भी आज टेस्ट लिया जाए। तो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? ओके, तो चलो हम भी बैठ जाते हैं और अब स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ का KBC, इस्लामिक KBC। तो क्यों ना बर्थडे है आयशा का, तो आयशा से क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आयशा आपके लिए कि कौन से ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट में रखा था? मछली के पेट में ऑप्शंस की जरूरत है आपको या नहीं है? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम, आपको क्या लगता है क्या ये आंसर सही है? अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अगर हम आपको बताएं तो ये आंसर बिल्कुल सही है, यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली की एक सज़ा दी थी क्योंकि वो अपनी बस्ती से चले गए थे। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम आपको फिर कभी इसकी तालीम। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे अपनी सिस्टर से, अंजुम सिस्टर से, वाइदप्पी से। तो वाइदप्पी आप रेडी हैं? 5 नबियों के नाम बताइए, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम इसको वरना हमारा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्लीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। वेल डन, एंड जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे और जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे उसे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा हमारी तूबा से, जो कि इनको शर्मीली भी बोला जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा तूबा से है कि हमारे पहले नबी कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपको क्या लगता है, अगर ये सही है तो आप बताइए कमेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम फ्यूजन विद शगूफी से पूछेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि बकरा ईद का महीना चल रहा है, आप लोग भी बकरा ईद ही सेलिब्रेट करने आए हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो बकरा ईद है ये किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने पूछा और जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग पास ही हुए हैं, एंड इतना इल्म है और धीरे धीरे हम सबका इल्म इंक्रीज होता रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो हमारे ब्लॉग में एक नया पर्सन ऐड हुआ है जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जिनको हमने अपने जो हमारा लास्ट ब्लॉग था ईद उल जुहा का उसमें इंक्लूड कराया था। एंड चलिए आपसे भी एक क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, आप रेडी हैं? तो हमारे सबसे लास्ट जो नबी थे उनका नाम क्या था? ये उम्मे अम्मारा ने बिल्कुल सही बताया, तो यानी कि सबको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो चलिए इस जो हमारा ये इस्लामिक जो कंटेंट था इसको यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन ताबिंदा अंजुम ने हम सबसे पूछे, अब बारी है अंजुम सिस्टर्स की, जिसमें वाहिदा से क्वेश्चन किए जाएंगे अरबिया से रिलेटेड, मतलब ताबिंदा अंजुम से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे किए जाएंगे, और उसमें ये देखा जाएगा कि वाहिदा अपनी सिस्टर को कितना जानती हैं। तो आप दोनों रेडी हैं क्या? आप दोनों रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। Here is the first question for you, Vanga Appi. So tell me, what is the favorite country of Tamil Nadu? Favorite country? Is it Tamil Nadu?
एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके फेवरेट फूड. चाउमीन नूडल्स बिरयानी. ओके ओके तो ताबिंदा आप भी आप कुछ इनको हिंट देना चाहेंगी. आप जब भी हम आते हैं तो हम किस चीज के लिए कॉल करते हैं भाई? जब ये बनाना. क्वेश्चन इज अभी तक तो चीजें काफी स्मूथ चली है, देखते हैं भाई दफ्ती का आगे क्या रिएक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट कलर इन आउटफिट ऑफ ताबिंदा अप्पी. फेवरेट कलर किस बात से हमारी ताबिंदा अप्पी बहुत जल्दी नाराज हो जाती है? बहुत सारे रीजन. कोई स्पेसिफिक रीजन बताओ. स्पेसिफिक रीजन है नदिया इस बात से सबसे ज्यादा भड़कती है. इनसे भी शादी की बात करो इनका भड़कना स्टार्ट. ये नॉर्मल चल रही होंगी जैसे ही शादी का टॉपिक ला और क्या कमाना स्टार्ट. ऐसा है क्योंकि डर लगता है. पापा की परी अभी बंधना नहीं चाहती बंधनों में. उड़ना चाहती है. मैं अभी उड़ना चाहती हूँ. ये चिड़िया उड़ना चाहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे अभी तक काफी बेइज्जती हो चुकी है. बहुत ज्यादा हम आगे के देखते हैं. कौन सी बात ताबिंदा अप्पी को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी खुश कर सकती है? दो रुपए की टॉफी ला के दे रहा है आपके पास. ये तो नहीं है अभी यार. कितना भी मना ना तो फिर क्या है? अनिया को खुश कर सकती है मोहब्बत से बोलना. अनिया की बात कर दो. मोहब्बत से बोल. ये लो खुद ही हेल्प कर रही है. कोई मसला नहीं है जब लेकिन मोहब्बत से बोलना ये सबसे ज्यादा इसीलिए मैटर करता है. ऐसा होता है जब हम नाराज हो जाते हैं ज्यादा ये टाइम नहीं देती है ना तो मतलब थोड़ा 5-10 मिनट 1-2 घंटा तो हम बड़े नाराज रहते हैं. फिर जब ये आती है ना फिर हम थोड़ा सा जब ये अच्छे से बोलती है तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं. हम खुश हो जाते हैं. वेरी गुड. और बहुत ज्यादा ही खुश लगता ही नहीं है. जब अभी अलीगढ़ गई थी हम लोग का ये था कि अरबिया संडे में गई थी. हम लोग सैटरडे में सब थे. अरबिया की तैयारियां कर रहे थे. सब कर रहे थे पूरी तैयारी. हंस रहे थे बोल रहे थे. और जैसे ही अलीगढ़ गई अरबिया बस अकेले समझ में नहीं आता किससे बोले क्या करें क्या नहीं करें. सब साथ में देखते थे. मतलब वो आज मेरा क्या रहता था. मेरा रहता था कि हम यहाँ से जाते थे बड़ा खुशी खुशी जाते थे. बहुत खुश होके लोगों को लगता ही नहीं था. ये लोग का दिल वो हो जाता था. लेकिन हम जैसे ही वहाँ पहुँचते थे इतना होते थे मतलब बिल्कुल अकेले में. लेकिन कभी मतलब तो ये सारी चीजें थी. एंड जब हम पर वीडियो कॉल होती थी ना हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल करते थे तब रोते थे. मतलब ये भी भैया बहुत रोती थे और हम भी क्योंकि हम लोग कभी ऐसे अलग हुए नहीं थे. और पहली बात है जब हम भाई करते हैं और हम दोनों अलग हुए तो ये मतलब अगर सोचो तो ये बहुत ज़्यादा अजीब है. लेकिन अगर आपको बता दें तो शायद इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है. लेकिन जब हम लोग इतने दिन बाद आते हैं एक दो महीने बाद तो फिर हमारा शायद टाइम स्पेंड होता है. फिर अच्छी अच्छी हमारी मेमोरीज बन जाती है. बहुत अच्छा होता है वो है. थैंक यू सो मच आयशा हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए. सो थैंक यू. तो आज ये 4th day था एंड हमारे ब्लॉग में एक नया और मेहमान ऐड हुआ दैट इज़ इबा फातिमा. ये हमारी कज़िन की छोटी बेटी है तो इनको तो ऐड होना ही था. एंड हमने अपने प्री प्लान ट्रिप को ज़्यादा ना ज़ाया जाते हुए हमने अपनी रवानगी पकड़ी इटावा की. इटावा कंपनी गार्डन जा रहे थे क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था. तो हमने सोचा क्योंकि हम लोग को आगरा जाना था तो आगरा कैंसिल हो गया. तो हमारा इटावा दैट इज़ राम मनोहर लोहिया पार्क तो इसको कंपनी गार्डन भी बोलते हैं ये. एंड देन हमने फिर कुछ क्राइंग की पिक्चर्स क्लिक.
तो क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो सारे जो ग्रास में था बहुत सारा पानी था, तो फिर हम लीव ले रहे हैं कंपनी गार्डन से। से बाय गाइस, से बाय, एंड आगे भी लोग हैं। चलो इट्स टाइम टू लीव। एंड वहाँ से आने के तुरंत बाद हमारे बड़े तैयबू की दावत ही, तो फिर हमने फिर दावत में शिरकत की। एंड घर पर आने के बाद हमारे तैयबू ने किया इज्तिमा, जो कि तालीम देते रहते हैं, जिनके वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत इल्म है वो हमारे तैयबू के वजह से। एंड मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब हम तैयबू को आपसे मुखातिब कराते हैं। एंड अब वक्त हो चला है लास्ट दिन का, प्री प्लान ट्रिप के लास्ट दिन का। तो हम पहुंचे हैं जसवंत नगर में ही ब्रिज मिठास, काफ़ी नाम सुना था इसके बारे में, और जितना नाम सुना था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा था, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जसवंत नगर में हैं। आप लोग अगर जसवंत नगर में हैं और देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो जहाँ ज़रूर आइए, वैसे आ चुके होंगे। सारे लोग अपने फ़ोन में बिज़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है ब्रज मिठास में। सब फ़ोन में बिज़ी है सिवाय मेरे, क्योंकि हमें व्लॉगिंग करना पड़ती है ना, हमें व्लॉगिंग करनी पड़ती है, इस वजह से हम बिहाइंड द कैमरा हो जाते हैं एंड सबके सीन्स दिखाई दे जाते हैं। आज के टाइम में क्या हो गया है, लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं फ़ोन की वजह से कि रिश्ते ही भूल जा रहे हैं। चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं और फिर अच्छी अच्छी अपनी मेमोरीज कलेक्ट करते हैं। एंड क्योंकि हमारे जो वक्त चलता है ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल चलता है ना, हम लोग ऐसे टाइम बहुत कम स्पेंड कर पाते हैं। आप बता रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं पता कि नेक्स्ट हम लोग का कब होगा, कैसे होगा। तूबा शगुफी, आप हेलो बोल सकते हो। ये फर्जी चैनल स्टार। तो 12:20 हो चुका है रात के, और टैंकरैंग हम अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ फिर हाजिर हैं। और ये जो व्लॉग है ये एंडिंग की ओर है, क्योंकि जब हमारी कज़न्स आई थी हमने आपसे इंट्रोड्यूस कराया था, अब ये लोग जा रही हैं इंशाल्लाह, कल ये लोग चली जाएंगी, कल शाम को, राइट, कल शाम को ये लोग चली जाएंगी कानपुर से आए थे। एंड आज इन लोग की लास्ट नाइट है यहाँ पर, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम लोग पूरी रात जागेंगे और अच्छे से इंजॉय करेंगे, क्योंकि इतने दिनों में हम लोग सिर्फ घूमे हैं, मौका नहीं मिल पाया पर्सनली हम लोग से बात करने का एक दूसरे से ज़्यादा। तो सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा दो साल बाद नानी के घर आना, और इतना जो हम लोगों ने प्री प्लान सारी चीज़ें की थी वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पॉसिबल हो पाई। बिल्कुल कर दीजिए, कोई मसला नहीं। हाँ तो करो भाई अपना लास्ट डे कैसा गया आपका, इन तीन चार दिन नहीं होना तुम लोग हम लोग के साथ, चार दिन 30 को आई थी, ईद की बासी वाले दिन है ना। अब लास्ट डे, हाँ कौन सा दिन सबसे ज्यादा बेहतरीन था? फर्स्ट डे हम लोग सबके घर गए थे, है ना, सबके घर गए थे, शॉप पर गए थे, हाँ वो हम लोग ने सिंगिंग वगैरह नाच वगैरह किया था।
वो भी क्लिप्स हम इसमें ऐड करेंगे जब लोग एडिट करेंगे। मेरी सिंगिंग हाँ हमें भी मिले थे वैसे 50 रुपए मिले थे और इन लोगों ने गाने गाए थे अपने। तो अब आप लोगों का कब आने का प्लान है? हाँ ये फ्यूजन विद शगुफी इनको जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। ओके बताइए कल ये लोग चले जाएंगे और परसों मैं कल ये लोग चले जाएंगे कानपुर और परसों मैं रवानगी पकड़ूंगी अपनी अलीगढ़ की, क्योंकि हमें भी 15 दिन हो जाएगा यहाँ पर। आप सब तो जानते ही हैं हम अलीगढ़ में ही रहते हैं, है ना, और अपने घर पर आए थे अब अपनी बकरा ईद सेलिब्रेट करने और फाइनली ये लोग भी आ गए, तो हम लोग का मिलना मिलाना बहुत कम हो पाता है। अब हम लोग कब मिलेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जब भी अल्लाह चाहेगा। आपकी शादी पर, आप लोगों की शादी पर। चलो इंशाल्लाह, हाँ जब भी मिलेंगे, लेकिन शादियों पर मिलना होगा। फिर हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।